पाठशाला गाइस आज हम लेकर आए हैं मार्च 2024 का विजन आईएएस की गाइस। ये मैगजीन है, मंथली मैगजीन है। इसमें आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का जो शॉर्ट्स वाला पार्ट एक आपका रह गया था। मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस आपने देखा होगा, उसके अंदर जो पार्ट्स रह गए थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पूरे ही 2 साल की वीडियोज विद योर मंथ वाइज सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। बड़े आराम से जाके प्लेलिस्ट सिर्फ खोलो और जिस भी मंथ की आप करंट अफेयर सुनना चाहते हो वो आप सुन सकते हो। तो हम सीधा ही अब टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो गाइस देखो, पहला टॉपिक जो शॉर्ट्स में रहा इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पार्ट है हमारा, इसमें पहला टॉपिक था मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ IPEFF हिल्ट। अब IPEFF सबसे पहले है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये अटेंड किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जाके इसको अटेंड किया है और इसका बहुत प्रयास है इसके तहत कि इसमें क्लीन इकोनॉमी के कुछ पिलर के ऊपर एफर्ट लिया गया है। 2022 में IPEF आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसका सबसे ज़्यादा ध्यान यही रहता है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़े पार्टनर कंट्रीज की, ताकि ग्रोथ, पीस, प्रॉस्पेरिटी इंडो पैसिफिक रीजन की हो जाए। इसके 4 पिलर्स हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4। एक ट्रेड है, सप्लाई चेन्स है, क्लीन इकोनॉमी है, फेयर इकोनॉमी है। इंडिया ने पिलर 2 से पिलर 4 तक ज्वाइन किया था IPEF को और ऑब्जर्वर स्टेटस इसका पिलर 1 में है। अब देखो, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे कि इंडिया का कौन से जगह पर किस पिलर पर ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो ध्यान रखना, जो पिलर 1 है, जो ट्रेड वाला पार्ट है, उसमें इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसके अलावा पिलर 2 सप्लाई चेन्स, पिलर 3 क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी वाला पिलर 4, इन सभी में इंडिया भी पार्ट इसका है, इंडिया ने ज्वाइन किया है बेसिकली। अब जब ये अनाउंस हुए ना, क्योंकि जब ये मीटिंग चल रही थी तो क्लीन इकोनॉमी के कुछ पिलर्स निकल कर आए। क्या मतलब है इसका? कि 4 नए फ्रेमवर्क लिए जाएंगे जिसपे कि फोकस किया जाएगा कार्बन मार्केट पे, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी पर, और एम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट करके क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कराया जाएगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा और IPEF कैटलिटिक कैपिटल फंड है जो कोलैबोरेट करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया है। इसमें कुछ की अग्रीमेंट लिए गए हैं, जैसे कि IPEF की जो एक काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने कहा है कि कलेक्टिव एक्शन होगा हमारा, मॉनिटर करेंगे हम 2nd से लेके 4th तक वाला। और क्लीन इकोनॉमी अग्रीमेंट में हुआ है कि हम इम्पोर्टेंट रोल जो न्यूक्लियर एनर्जी का दूसरे है उसको हम इंश्योर करेंगे, स्कोप ढूंढेंगे। फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट में बोला गया है कि पूरा स्कोप के साथ साथ हम ये भी क्लैरिफाई करेंगे कि राइट एंड ऑब्लिगेशंस पार्टीज का क्या क्या रहेगा वो सारा कुछ। और कॉल्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ बात फ्रीजिंग की हुई, क्राइम के कन्फिस्केशन की हुई, तो सारी चीज़ों को लिया गया। समझ रहे हो आप? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जाके ये वाली मीटिंग अटेंड करी थी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शॉर्ट, दैट इज IMEC। अब IMEC क्या है भाई? तो IMEC का फुल फॉर्म है इंडिया मिडल यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कैबिनेट ने अप्रूव करा इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। अब इसका देखो, ये जो सारे के सारे अग्रीमेंट किए जाते हैं, इसका पता है रीजन क्या है? ताकि बायलेटरल रिलेशंस अच्छे हो पाए, मतलब दो कंट्रीज के बीच का कोऑपरेशन बढ़े, और लॉजिस्टिक्स में, पोर्ट्स में, मैरिटाइम में, उसके लिए किया गया है। फर्दर इसमें कोलैबोरेशंस भी हैं, फ्यूचर जितने भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट है। इसमें ना एक प्रपोज ट्रांजिट नेटवर्क है जिसमें ना इंटीग्रेट कराया जा रहा है एशिया का यूरोप और मिडल ईस्ट के साथ। इसमें रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क्स तैयार किए जा रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स भी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है खाली हमने किसी एक कंट्री के साथ इसे साइन किया है, इंडिया, यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, फ्रांस भी है, इटली भी है, सऊदी अरेबिया भी है। या इवन आप समझ लो कि जब ये G20 समिट न्यू दिल्ली में 2023 का चल रहा था, तब सारी बातें ही हो गई थी, ऑलरेडी साइन मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग भी कर दिया गया था। अब IMEC जैसी चीज़ें, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली क्यों ज़रूरी है? देखो, ये कॉरिडोर हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि ना हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़े। कंबाइंड GDP हमारी देखो 40% है वर्ल्ड की टोटल GDP की, तो हमारे लिए क्या ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन को बढ़ा दें? फिर ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। फिर ये ग्लोबल सप्लाई चेन मोर रिजिलिएंट करने का तरीका है। फिर इंडिया और यूरोप का और अच्छा ट्रेड हो जाएगा, स्पीडअप हो जाएगा, तो ये एक तरीका है। उसके बाद साथ आपका स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट अरब वर्ल्ड के साथ भी बढ़ेगा। तो देखो, दो दो फायदे हैं इसके।
लेकिन चैलेंज पता क्या है, कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स, इसराइल और हमास का जो क्राइसिस है उसकी वजह से आपको एक कमिटमेंट यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज वॉर लाइक सिचुएशन में आप क्या बोलोगे। लेकिन आप ये समझ लो इस तरह का कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जुबेल अली यूएई में जाके, इंडिया के मुंबई में है ये, और ऐसे ही सी रूट पे रेल रूट दोनों है, यूएई के अंदर ये वाला भी एक अलकूफा विद हराद, हर तरह से ऐसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो रेल रूट आपको ध्यान रखना है, रेल रूट और इसका ऐसे तरह से रूट तैयार करे जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडिया ब्राजील होल्ड फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब जैसे ही 2+2 डायलॉग की बात आए, आपको यूएस की याद भी आती है, हमारा अक्सर यूएस के साथ 2+2 डायलॉग होता है, जैसे ही 2+2 का नाम सुनो समझ जाओ दोनों कंट्रीज के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने वाले हैं आपस में, जिनका डायलॉग होगा। अब की बार हमने ब्राजील के साथ पहली बार किया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम चाहते हैं हमारा कोऑपरेशन एनर्जी सेक्टर में, क्रिटिकल मिनरल्स में, टेक्नोलॉजी काउंटर टेररिज्म में बढ़े। तो 2+2 डायलॉग है क्या, मीटिंग है फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स की दो कंट्रीज की मिलके, इंडिया ने इस पे हस्ताक्षर करे हैं, इंडिया ने मतलब काम किया है इस पे, डायलॉग किया है। अभी तक हम यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान का करते थे, अभी चौथी कंट्री और जुड़ गई है, तो याद रखना चौथी कंट्री ब्राजील जुड़ गई है जो 2+2 डायलॉग कर रही है, इससे पहले हमारा यूएस ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ था। अब इंडिया ब्राजील बायलेटरल रिलेशंस में क्या कह रहा है, देखो हम बायलेटरली बड़े इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं 2006 से ही, मल्टीलेटरल फोरम्स में हम एक साथ काम करते हैं, कह रहा है यूनाइटेड नेशंस में हम एक साथ मेंबर हैं, G20 में हम है, ब्रिक्स में हम है, इप्सा में हम है, दैट इज इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, कह रहे हैं G4 नेशन में भी हम आते हैं, ब्राजील जर्मनी इंडिया जापान वाले ग्रुप में, और हम सभी परमानेंट सीट्स चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कह रहे हैं हम जो ब्राजील है इंडिया तो पार्ट है ही और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी पार्ट है। फिर ये कह रहे हैं कि मरकोसर जो है रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक साउथ अमेरिका का, उसमें भी इंडिया का क्लोज कोऑपरेशन है, तो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हम कहाँ नहीं है एक साथ, हम जगह जगह पर हैं। फिर कह रहे हैं इंडिया, अगर ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ब्राजील का, 2021 का डेटा उठाएं। स्पेस की बात करें तो इसरो ने ब्राजील सैटेलाइट एमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया था 2021 में। सिक्योरिटी की बात करें तो हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार करी हुई है, कई बार साइन किया है, हमने बायोफ्यूल्स पे हमारा जो रहता है उस पर बड़ा हमारा रहता है कि ब्राजील क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल्स का। अब देखो पेपर में यही उठाएगा क्वेश्चन कि ब्राजील इज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोफ्यूल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इन इंडिया लेड इनिशिएटिव। तो मैकेनिज्म लाइक ट्रेड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सब पे हमने साइन कर रखा है, तो हमारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसीलिए 2+2 डायलॉग हम ब्राजील के साथ भी करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती में क्या था, इंडिया ने लॉन्च करा, क्यों लॉन्च करा, ताकि हम हेती से जो डोमिनियन रिपब्लिक है वहां से अपने नेशनलिस्ट को इवैक्यूएट करके वापस ले आए अपने धरती पर। ऑनगोइंग ऑपरेशन है, 12 इंडियंस को लेकर भी आ गया है क्योंकि वहाँ स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी, वहाँ कई सारे जो कंट्री के लार्जेस्ट प्रिजन्स वहाँ पर चले गए थे, तो आफ्टर सम आर्म ग्रुप्स अटैक, तो वहाँ के लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी था पोर्ट ऑफ प्रिंस से। तो ये जगहों के नाम याद रखा करो, पूछ ही चले अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ से हम इवैक्यूएट करके इंडियन नेशनलिस्ट को लेकर आए हैं, तो हेती याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है GECF, बोले तो गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 7th इसकी समिट हुई अल्जीरियंस डिक्लेरेशन के तहत, ये रिलेटेड है नेशनल गैस फॉर अ सिक्योर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। GECF बेसिकली गाइस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका काम है मीनिंगफुल डायलॉग्स कराना गैस प्रोड्यूसर और गैस कंज्यूमर्स को, ताकि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सप्लाई डिमांड गैस मार्केट की अराउंड द वर्ल्ड सही रहे। तो इसका विजन पता है क्या है, नेचुरल गैस एक पावरफुल रिसोर्स है, इसलिए उसका यूज भी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। फुल फ्लेज मेंबर्स है इसमें कई कंट्रीज, कह रहे हैं अल्जीरिया है, बोलिविया है, इजिप्ट है, इक्वेटोरियल गुनिया है, ईरान है, लिबिया है, नाइजीरिया है, ये सब इसके फुल फ्लेज मेंबर हैं। याद रखना इंडिया फुल फ्लेज मेंबर GECF में नहीं है, याद रखना मेरी इस बात का। ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करोगे तो एंगोला, अजरबैजान, इराक, मलेशिया, पेरू, मोजाम्बिक, सिनेगल, ये सब ऑब्जर्वर स्टेटस है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट 69% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स, ध्यान रखना 39% मार्केटिंग प्रोडक्शन है। GECF मेंबर कंट्रीज कलेक्टिवली मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस को एक्सपोर्ट करती हैं, तो आप समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। अब आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा GECF क्या है और इसकी फुल फ्लेज मेंबर कंट्रीज के नाम बताओ, तो याद रखना टिप्स पे याद रखना अल्जीरिया है, बोलिविया है, इजिप्ट है, इक्वेटोरियल गुनिया है, ईरान है, इराक नहीं है, ईरान है,
लिबिया है, नाइजीरिया है, कतर है, रशिया है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, यूएई है, वेनेजुएला है। ये पूरी की पूरी 12 कंट्रीज के नाम प्लीज याद करके जाना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अफ्रीका क्लब। अफ्रीका क्लब कहाँ से आया? देखो, ये देखो अफ्रीकन यूनियन ने ही इसको एस्टैब्लिश किया था। अफ्रीका क्लब शॉर्ट फॉर्म है, 37th इसकी समिट थी। पूरा इसका जो पार्ट है, दैट इज अलाइंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें होता क्या है, इसमें ना देखो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का या ग्लोबल शॉर्ट कमिंग्स को, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को ठीक करने के लिए यहाँ पर बातचीत की जाती है। फिर यहाँ ऐसे तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे कि इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाएं, और डेट वगैरह पर चर्चा की जाती है। कोर मेंबरशिप में अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीका का फाइनेंस कॉरपोरेशन है, अफ्रीकन रीइंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। मेंबरशिप सभी अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए खुली होती है, तो ये ध्यान रखना। समझ आ गया अफ्रीका क्लब कहाँ से आया? अफ्रीकन यूनियन का ही पार्ट है, कहाँ है? फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए काम करता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज समिट फॉर डेमोक्रेसी। प्राइम मिनिस्टर ने 3rd एडिशन इसका एड्रेस करा है, तो ये 2021 से यूएस से स्टार्ट हुआ है ये समिट। एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और या आप डॉक्यूमेंट ना कह के आप कहो कि डेमोक्रेसी रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है, आपस में एक दूसरे से लर्निंग ली जाती है, ठीक है। एम यही है कि हमारी कंट्री में, सभी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन हुए, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हुए, और फाइट अगेंस्ट करप्शन ग्लोबली अगेंस्ट उस पर काम करे। तो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है डेमोक्रेटिक रिन्यूअल्स के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज के तहत कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारा इसमें दिया जाता है, ताकि हमारे देशों में या जितने भी देश हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी सही ढंग से चले, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए, इंडिपेंडेंट मीडिया हो। तो यूएस इसके लिए फाइनेंशियल एड भी देता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लोकेशन पार्ट, दैट इज गल्फ ऑफ टोंकिन। तो पहले गल्फ ऑफ टोंकिन के दर्शन कर लो, कहाँ पर है गल्फ ऑफ टोंकिन? दिस इज इट, समझ गए, ईस्ट एशियन कंट्रीज का पार्ट है। चाइना ने इसमें ना डिलीनेट करा है। अब डिलीनेटेड का मतलब पता होना चाहिए, मेरे साथ रह के आपका एक काम ये भी हो जाएगा कि आपकी वोकैबलरी जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। तो अब देखो वर्ड इसमें क्या है, डिलीनेटेड, पहले तो इसको बोलना सीख लो डिलीनेटेड, उसके बाद डिलीनेटेड का मतलब जानते हो क्या होता है? बाउंड्रीज को, या आप कह लो ड्रॉ करना बहुत ही ग्रेट डिटेल में सब किसी चीज़ को, ठीक है। तो किसी चीज़ को मार्क करना, किसी बाउंड्री को, और पूरे डिटेल में उसको देखना, तो आप कह सकते हो डिस्क्राइब करना बहुत ही एक्यूरेसी और डिटेल के साथ। इन्होंने डिलीनेट करा है बेस लाइन गल्फ ऑफ टोंकिन को, नोन इन चाइनीज, चाइना में इसको बोला जाता है बेबू गल्फ। बेस लाइन अंडर यूनिक्लॉज 1982 में बनाया गया था, और इसमें नहीं बताया था कि देखो ये टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ये वाटर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ऐसा करके बनाया गया था। गल्फ ऑफ टोंकिन इज लोकेटेड ऑफ द, कहाँ पर है ये? ऑफ द कोस्ट है नॉर्दर्न वियतनाम और सदर्न चाइना के बीच का पार्ट है। अंटिल नाउ बोथ कंट्रीज मेंटेन करते थे क्योंकि फ्रेंडली रिलेशंस, तो गल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं था डिस्पाइट देयर ओवरलैपिंग, जबकि क्लेम रहते हैं साउथ चाइना सी से। रेड रिवर भी है यहाँ पर, जो कि चाइना और वियतनाम से फ्लो होते हुए गल्फ में जाके एम्प्टी हो जाती है, ठीक है, लेकिन चलते रहता है। तो ध्यान रखना गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है, लोकेशन आ जाएगी नॉर्दर्न वियतनाम और आपके सदर्न चाइना के, ऑफ द कोस्ट है लोकेशन, ठीक है। चलिए आइए बढ़िया आगे। डेरियन गैप क्या होता है? देखो ये ना एक वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बॉर्डर क्रॉसिंग है, इलीगल इमिग्रेशन। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इस रूट पे पीपल माइग्रेट करते हैं साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है दो नेशंस को, नदन कोलंबिया सदन पनामा को। ये एस्थमस ऑफ पनामा का भी पार्ट है, यानी एस्थमस क्या होता है, एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड जहाँ पे पानी एक साइड पर है, एक साइड पर लैंड है, दो साइड मतलब दो जॉइंट टू लार्जर पाइप पीसेज ऑफ लैंड, ऐसा सा कुछ साइड है। बहुत हॉट है, ह्यूमिड एरिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव मिलते हैं, लो माउंटेन है, क्लाउड फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है यहाँ पर, ट्रॉपिकल वेजिटेशन माउंटेनस रीजन है। जरूर ध्यान रखना वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस फास्ट ग्रोइंग बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है ये। लास्ट टॉपिक इज अबाउट ब्लू लाइन। तो यूएस का जो राजदूत है वो जो है लेबनन में एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सिचुएशन जो ब्लू लाइन की है उस पर भाई कुछ भी करो, और हमें गारंटी पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए। अब ब्लू लाइन कैसी लोकेशन है? तो ब्लू लाइन की लोकेशन याद रखना
इसराइल एंड लेबनन ने कोई ऑफिशियल ऑर्डर करके देखे उसको एक सेपरेट नहीं करा एक्सेप्ट द ब्लू लाइन। ये यूनाइटेड नेशंस ने 2000 में सेटअप की थी, ये ब्लू बैरल्स के साथ बनी है, मेडिटेरियन सी है, एक तरफ गोलन हाइट है ईस्ट में, और इसका पर्पज यही था कि इजरायली फोर्सेस यहाँ पर विड्रॉ कर दें फ्रॉम द साउथ ऑफ लेबनन, लेबनन के साउथ पार्ट में। ब्लू लाइन लर्निंग इकोसिस्टम है जो यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज के थ्रू बनाया गया था, तो यूनाइटेड नेशंस का डिमार्केटेड ब्लू लाइन है ये। समझ में आ रहा है ये बात? तो ध्यान रखना, आपसे ब्लू लाइन कोई पूछ ले तो घबरा मत जाना। तो ब्लू लाइन बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो इसराइल और लेबनन के बीच का एरिया है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट, कल से हम इकॉनमी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।